नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। एक तरफ शारदीय नवरात्रि, दूसरे तरफ रमजान, तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं, तीसरी तरफ आने वाला समय लगन शादी बारात का। माना जाता है चैत नवरात्रि से किसान के जो मेहनत होती है, जी हाँ, गेहूं कटकर उसके घरों में आती है। रमजान में मुसलमान एक महीने का व्रत रखता है, उपवास करता है। उसी दौरान पिछले एक साल से कोरोना वायरस नामक बीमारी इस समय लगातार पूरे देश दुनिया में फैली हुई है। इस समय उसका प्रकोप रीवा में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा। इसी के चलते अगर मैं पिछले पहले चार दिनों की बात करूँ तो 82, 83, 100, फिर 200 लगातार आंकड़ा जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके चलते प्रशासन ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। अब लॉकडाउन का निर्णय तो हो गया, अब मैं आपको बताऊं इस लॉकडाउन में बहुत सारी छूटें दी गई। वो छूटें क्या हैं, मैं सीधे आपको कलेक्टर का आदेश ही पढ़ के सुनाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके की कलेक्टर ने छूट दी है। जी हाँ, 15 अप्रैल गुरुवार सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। साथ ही कर्फ्यू के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें को पिछली बार रोक लगाई गई थी, इस बार उसको छूट दी गई है वैवाहिक आयोजन की, लेकिन पूरे नियम कानून के साथ। वो नियम कानून क्या है मैं आपको बताऊं। 20 वधु पक्ष के, 20 वर पक्ष के तथा पंडित, नाई, हलवाई, स्टाफ आदि को मिलाकर कुल 40 व्यक्ति ही सम्मिलित रहेंगे, जिसकी सूचना संबंधित थाने को अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी। विवाह कार्यक्रम के लिए बाहर जाना है, उसकी अनुमति भी संबंधित थाने से आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख गतिविधियों में छूट दी गई है वो है राज्य और जिलों से माल सेवाओं का आगमन, मतलब माल का आना जाना लगातार जारी रहेगा, उसमें किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ लगातार जारी रहेंगी। केमिस्ट, किराना दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए, रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, फल सब्जी की दुकानें, करहिया मंडी तथा सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। ये एक बड़ी बात है, सब्जी की दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही आपके मोहल्ले में जो ठेला आएगा उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध इस बार जनता कर्फ्यू में नहीं लगाया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं, आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी नगर पालिका निगम रीवा के द्वारा की जाएगी। औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल, उद्योग के अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन में पूरी तरीके की छूट रहेगी। ये तो हुई कुछ प्रमुख बातें, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें, वो भी आपका जानना बड़ा जरूरी है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएँ, दूध वितरण के लिए परिवहन, ये भी लगातार लॉकडाउन से मुक्त रखी गई है, इनमें भी किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन में किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वह लगातार जारी रहेंगी। आपके घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच रूप से इन सबको बुला सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुला सकते हैं, प्लम्बर को बुला सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए, कराने के लिए आप पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध इस बार नहीं लगाया गया है। कृषि संबंधी सेवाएं, कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हेयरिंग सेवाएं, कृषि यंत्र की दुकानें तथा पशु आहार सेवाएं आदि लगातार खुली रहेंगी। परीक्षा केंद्र, आने जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारी गण को भी किसी तरीके का प्रतिबंध से नहीं रखा गया है। फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी, उपार्जन स्थल तक आने जाने के लिए किसान बंधु पर भी किसी तरीके का कोई भी दबाव इस बार नहीं होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले नागरिकों पर भी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ, यूनिट्स, ई कॉमर्स सुविधाएं चालू रहेंगी। अखबार वितरण एवं पत्रकारों पर भी किसी तरीके की प्रतिबंध नहीं लगाया गया। होटल केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ भी खोले जा सकते हैं। तमाम तरीके के इस बार प्रतिबंध में जनता कर्फ्यू के दौरान जहां कुछ छूट भी दी गई, वहां कुछ
प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि ये उतने कड़े प्रतिबंध नहीं है जितने की हम आशा कर रहे थे, जब जिस तरीके से 80, 82, 100, 200 के पेशेंट मिल रहे थे। कोरोना वायरस पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से आया, ये जब से कोरोना आया था तब से अभी तक नहीं आया था। ये हुई जनता कर्फ्यू के दौरान आपको दी जाने वाली छूटें। मैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे की पूरी टीम आपसे गुजारिश करती है, घर पर रहिए, जरूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलिए, लॉकडाउन में प्रतिबंधों का पालन करिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, इस महामारी पर विजय पा पाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।